जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो देखिए, हेलीकॉप्टर आ रहा है और जनता का उत्साह देखिए, यहाँ पर मोदी आ गया, इस तरह के स्वर उभर रहे हैं मारवाड़ी भाषा में। हर चीज के मैंने हर शिक्षित के अंदर भगवान के तरफ आता है ये मोदी। अच्छा, ये बात है। दिन में पसंद क्या क्या है आपको? इसमें सब कुछ, हर पल इसके पसंद है। चीजें बता दीजिए, क्या क्या पसंद है इसे? क्या हुआ? कांग्रेस सरकार पिछली बार आई, बोलो कर्जा माफ हो जाएगा। बोलेंगे नहीं, योजना फायदा होता भाई। कोई पैसा नहीं होता, हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, एकदम होता है फायदा। हाँ होता है, चिरंजीवी योजना का फायदा होता है। हाँ होता है, होता है। और आप भाजपा सपोर्टर हो तब भी कह रहे हो ये बात? अरे होता है यार, जो होता है वही तो होता है। लुगाईया ने बिगाड़ दी, बिगाड़ी क्या कर दिया लुगाई थोड़ी चला। जो लेडीज लोग, महिला लोग, मोबाइल दिया है तो क्या फायदा है ये बताओ? आपके पास है मोबाइल? हाँ, जेंट्स को दो तो आप नहीं बिगड़ोगे? जेंट्स और लुगाई की एक के लिए एक बात कर ली क्या अपना महिला का और आदमी? राहुल गांधी ने बोला था इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेंगे, हम आलू लेके। आपको पता है वो कटी हुई क्लिप है पूरी? पूरा वीडियो देखा है आपने? पूरा देखा, वो बात तो वही है ना। बात वो नहीं है, पूरा सुनो उसको आप। ये व्हाट्सएप पे आया था आपके पास? हाँ व्हाट्सएप पे आया था, लगा मुझे। बुढ़ानिया की सरकार आएगी भाई इधर तो? है बुढ़ानिया की सरकार आएगी? बुढ़ानिया की सरकार आएगी, नरेंद्र बुढ़ानिया। आप कांग्रेस, आप तो भाजपा की रैली में पानी बांट रहे हो। कांग्रेस को वोट देंगे? एक बात बताओ इधर तो भाई साहब, ये मोदी की रैली में आप ये पानी बांट रहे हो, ये किस लिए? मोदी के लिए आए हैं? मोदी के लिए आए हैं? वोट कांग्रेस को देंगे? लोकसभा में मोदी को देंगे? राजस्थान की जो सबसे हाई प्रोफाइल सीटें हैं उनमें से एक है तारानगर विधानसभा, और मैं इस वक्त वहीं पर हूं। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ इस बार यहां से लड़ रहे हैं। पड़ोस की सीट चूरू से वो हर बार लड़ते थे, इस बार उनकी सीट बदली गई है। आज इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहीं पर तारानगर में राजेंद्र राठौड़ जी के लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और ये सामने मंच है। ठीक ठाक भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है आज। अभी आज वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल भी होना है, उससे ठीक पहले का ये समय है। और मैं इस वक्त एक ट्रक में हूँ जिस ट्रक में खूब सारा पानी की बोतल आई हुई है, और भाजपा के कार्यकर्ता उस पानी की बोतल को जो आसपास के लोग हैं उनको यहाँ से फेंक करके दे रहे हैं, पानी पिलाने पानी पहुँचा रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, भाजपा वर्कर हो आप? हाँ जी। कहाँ से हो? राजपुरा। राजपुरा, हाँ जी। ये किसके सौजन्य से पानी? ये राठौड़ साहब, ये राठौड़ साहब के सौजन्य से। कितनी बोतल लाए? ये पूरा ट्रक भर के आया था। ट्रक भर के पूरा? हाँ। कितनी बोतल होंगी अंदाजन, कोई आइडिया? आइडिया नहीं है, लमसम ऐसे 3 ट्रक आ गए। ऐसे 3 ट्रक आ गए, ये आधा तो लगभग नहीं, ये खाली हो गया, आधा हो गया, आधा खाली हो गया। 3 गाड़ी और है, इतनी 3 गाड़ी और है। अच्छा, तो ये क्या है यहाँ का मुद्दे, क्या है मुद्दे? तो राठौड़ साहब है 30,000 प्लस जीत है। 30,000 प्लस प्लस जीत है राठौड़ भाई साहब, तो सुनने बहुत कांटे की टक्कर है इस बार। कांटे की टक्कर उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से नरेंद्र बुढ़ानिया। पानी की तरफ नहर के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे बुढ़ानिया जी। हाँ, यहाँ पे पानी नहीं है, पानी दूसरे देश से आ रहा है, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं, राठौड़ साहब आएंगे तभी आएंगे। अच्छा, नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ कांग्रेस से राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिनट बता दूं पहले दिल्ली के लोगों को जिन्हें यहाँ के समीकरण नहीं पता, नरेंद्र बुढ़ानिया की पहचान ये है कि वो 3 बार लोकसभा के सांसद रहे चुरू से, और उसके बाद राज्यसभा के भी सांसद थे। 2018 में वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर और जीते। मौजूदा विधायक वही हैं इस समय, उनकी सत्ता को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं राजेंद्र राठौड़, जो प्रदेश के बड़े नेताओं में हैं, जिनका नाम इस तरह से भी लिया जाता है कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे का नंबर नहीं आता है मुख्यमंत्री के तौर पर तो हो सकता है राजेंद्र राठौड़ भी उस दौड़ में होंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। कहाँ से आए? ददरेवा। हाँ, ददरेवा। कितना दूर है ददरेवा यहाँ से? 20 किलोमीटर। तारानगर विधानसभा में ही है? तारानगर में ही है, न्यांगली तक तारानगर में। अच्छा, ये अशोक गहलोत ने कैसा काम किया है पिछले 5 साल? अशोक गहलोत कुछ काम नहीं किया, ये बात है। काम को वोट नहीं देते, काम तो नहीं करे, ये नाज बांट दिया,
बोतल दे दी है के तेल की देखो खाते सुलते बोतल 100 ग्राम का पाउडर दे दिया करके बोलो 100 ग्राम का पाउडर दे दिया कोई मिर्ची दे दी कोई लहसुन दे दिया कोई और दे दी बड़ंगन खोल के देंगे ना बिना केमिकल लाते घोरियो पिसेड़ो लाते मिर्चें इसका हिंदी में बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा मारवाड़ी में नहीं मैं ये बोल रहा हूं जो मिर्ची दे रखी है अशोक गहलोत ने मसाले में उसमें केवल घोरिया ईंट घोरिया पीस पीस के डाल रखा है और कुछ नहीं है अच्छा 10 तोर लग जाए बम खाया आप से बीमार हो रहे हैं वो खाने से दस्त बंद नहीं हो रहे अभी अच्छा और ये बताइए दस्त ठीक है जो वो दे रहे दूसरा ये बताइए कि चिरंजीवी योजना के बारे में सुना है आप लोगों ने सुना क्या है चिरंजीवी वो 25 लाख रुपए कुछ देने के लिए वो ही क्या हाँ तो वो सिर्फ है देखो बीमा हेल्थ का बीमा 25 लाख का ये करने की सरकार की बात है आम आदमी हॉस्पिटल में जाएगा ना उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी सुनवाई होती है नेता पक्ष के वजह से सुनवाई होती है वरना कोई सुनवाई नहीं है गरीब तो स्वास्थ्य का अधिकार आ गया यहाँ पर आप जाओ कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता उधर जाओ ये करो वो करो बेहतर जगह तो हॉस्पिटल में घुमाते हैं अब गरीब आदमी लेके जाएगा वो कहाँ घूमेगा मेरे को ये बताओ अर्जेंट पेशेंट है उसको घूमने में टाइम लगेगा या तो डायरेक्ट भर्ती होगा वो योजना की आलोचना नहीं कर रहे हो आप देखो योजना का योजना फायदा होता भाई कोई पैसा नहीं होता हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता एकदम होता है फायदा हाँ होता है चिरंजीवी योजना का फायदा होता है हाँ होता होता और आप भाजपा सपोर्टर हो तब भी कह रहे हो ये बात अरे होता है यार जो होता है वही तो होता है मोदी पूछ रहा हूँ होता है तो वही बताते आपको जो नहीं होता वो नहीं बताते तो कुछ काम है आपको लगता है इस कांग्रेस सरकार ने जो ठीक किया वो एक चिरंजीवी योजना वाला काम ठीक है ये चिरंजीवी और ठीक है और कुछ इसके अलावा और तो की बताए और तो की कोनी क्या खराब काम क्या किया आपके हिसाब से खराब तो की कौन करे सारा आप ठीक ही करे राजपुरा गांव में एक जो पानी इकट्ठा होता है बारिश का तो वो बुढ़ानिया जी बोल रहे हैं कि ये पानी की खाड़ा जो नीचे खाड़ा बनाया है अंडरग्राउंड वो बोल रहे हैं मैंने लेके आया है ये राजपुरा गाँव में पर मेरे गाँव के सरपंच का कहना है कि वो कहाँ से लेके आया गाँव की समिति में तो मैं हूँ मैं लेके आऊंगा ये चीजें तो बुढ़ानिया कहाँ से ले आएगा ठीक है नरेंद्र बुढ़ानिया पे बात करूंगा अभी तो प्रदेश पे पहले बात कर रहा था मैं कि वसुंधरा राजे की सरकार में कौन से अच्छे काम हुए वसुंधरा राजे की सरकार थी 2013 से 2018 आपको याद है एक बात तो है भाई मोबाइल बांट दिया फ्री लुगाइया ने बिगाड़ दी बिगाड़ी के तब क्या कर दिया लुगाई थोड़ी चला जो लेडीज लोग महिला लोग मोबाइल दिया है तो क्या फायदा ये बताओ कोई फायदा से बिगड़ गई वो और क्या उससे ऐसा है तो 5-7 हजार रुपए देना जो घर में काम आए गरीब लोगों को 5-7 हजार रुपए देखो वो काम आएगा मोबाइल क्या काम आएगा नहीं चलानी आती उसको मोबाइल देखो क्या काम आएगा अब ये बताओ मैं हूँ अनपढ़ हूँ मेरे को पता ही नहीं है स्क्रीन टच कैसे चलाए उसको 6 हजार रुपए लगा के मोबाइल दिए 6 हजार रुपए देते कुछ काम आता वरना काम क्या है ये मोबाइल मेरे को ये बताओ वो काम तो है नहीं लुगाई को 24 घंटा वो काम करेगी नहीं वो मोबाइल दे दिया तो मोबाइल देखेगी और जो अगर मान लीजिए अब की बार तो टैबलेट और स्मार्ट वो देने का भाजपा ने भी वादा किया कि लैपटॉप देने का वादा किया लैपटॉप आता है ना वो बच्चे पे आता है लैपटॉप से नहीं बिगड़ता मोबाइल से बिगड़ता मोबाइल से बिगड़ते लेडीज को दिया जेंट्स को दो तो आप नहीं बिगड़ोगे जेंट्स और लुगाई की एक ली एक बात कर ली क्या अपना महिला का और आदमी की अलग अलग बात है आपके अलग अलग है आपके घर में किसी महिला के पास फोन नहीं है नहीं है कुछ चलाते हैं ये राजस्थान सरकार ने ये किया है ना वो सबसे गलत काम किया 6 हजार रुपए दे देते सहमत नहीं हूँ आपसे इस बात से कि महिला बिगड़ जाती है नहीं वो नहीं कह रहा मैं पर ये कह रहे हैं मोबाइल से महिला बिगड़ जाती है हर आदमी के पास है मोबाइल अब तो सबके पास है जरूरत है अब है नहीं ठीक है भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप यहाँ है क्या उनमें अच्छा लगता है आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी क्या चीज हर चीज के मैंने हर शिक्षित के अंदर भगवान के तरफ आता है ये मोदी अच्छा ये बात है इनमें पसंद क्या क्या है आपको नरेंद्र मोदी इसमें सब कुछ हर पल इसके पसंद है चीजें बता दीजिए क्या क्या पसंद है इसे क्या हुआ कांग्रेस सरकार पिछली बार आई बोलो कर्जा माफ हो जाएगा अब बोलेंगे नहीं कांग्रेस सरकार पिछली बार आई बोल हर बंदे का कर्जा माफ होगा वो मान लो हाँ वो नहीं हुआ होगा क्या मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या चीजें अच्छी लगती बोलना नहीं चाहिए या करना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री में क्या अच्छा लगता है अच्छा है भगवान जैसा प्रधानमंत्री में अच्छा है राहुल गांधी आए आलू लेके आए थे 10 किलो वो सोना बनवाने वो सोना बनानी तो वापिस आलू लेके गए राहुल गांधी ने बोला था इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेंगे हम आलू लेके आपको पता है वो कटी हुई क्लिप है पूरी पूरा वीडियो देखा है आपने तो पूरा देखा वो बात तो वही है ना बात वो नहीं है पूरे सुनो उसको आप ये व्हाट्सएप पे आया था आपके पास हाँ व्हाट्सएप पे आया था लगा मुझे ठीक है यहाँ पे अब कहा जा रहा है चूंकि मोदी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दो तीन चीजें तो बताइए अच्छी मैं सब जानकारी के लिए सारी अच्छी है क्या क्या
जैसे क्या अच्छे काम किए यहाँ पे जो आप तक पहुँचे? ने सब अच्छे काम किए भाई साहब। आपके गांव में किसान सम्मान निधि का पैसा राजस्थान में आएगी बीजेपी से कहाँ आ रहा है? 6,000 रुपए 6,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। इस बार कांग्रेस ने भी वादा किया है कि हम घर की जो मुखिया महिला होगी उसको 10,000 रुपए देंगे। कांग्रेस ने तो पानी का ही वादा किया था, घर घर नल लगे, कहाँ गए 10-10 करोड़ रुपए खा गए राजस्थान कांग्रेस सरकार। बोला था 1-2-3-4-10 जनता बहकावे में नहीं आएगी, बढ़िया किसान आंदोलन का असर है इधर इस इलाके में, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान है। किसान 3 कृषि कानून आए थे और प्रधानमंत्री को जो है वो कानून फिर सरकार को वापस लेने पड़े। हमारे तो राजेंद्र राठौड़ 30,000 से पार आए, तो देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है और जनता का उत्साह देखिए। यहाँ पर मोदी आ गया, इस तरह की इस तरह के स्वर उभर रहे हैं मारवाड़ी भाषा में और हेलीकॉप्टर को वेव करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। तारानगर विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। चूरू जिले की तारानगर विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है और 3 हेलीकॉप्टर जो हैं प्रधानमंत्री के की सुरक्षा टीम भी उनके साथ चलती है। तीनों हेलीकॉप्टर हेलीपैड की ओर बढ़ रहे हैं और पंकज आपको दिखा रहे होंगे कि इस समय तमाम लोग दोनों हाथ उठा करके कई लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ये लोग कहते हैं इसको बोलते हैं तारानगर पंचायत, क्या कह रहे हैं? 3-3 हेलीकॉप्टर आया, इसको बोलते हैं तारानगर पंचायत राठौड़ सिंह राठौड़ का जीत 30,000 वोटों से। 30,000 वोटों से ये बताओ ये बताओ CPIM का यहाँ पे कैंडिडेट लड़ रहा है कितने वोट लेगा? वो कह रहे हैं कि वो थोड़े से वोट काटेगा जिससे राठौड़ साहब की मुश्किल थोड़ी हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कांग्रेस का पड़ेगा। जो निर्मल भी वोट तोड़ रहा है ना कॉमरेड वाला, तो वो भी कांग्रेस का तोड़ रहा है, बीजेपी का एक वोट ना टूटे। बसपा कितने वोट काट रही है यहाँ पे? बहुजन समाज पार्टी लाख से ऊपर जाएंगे वोट। बसपा का पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूछ रहा। 10-12,000 काट लेगी तो फंस नहीं जाएगा फिर चुनाव? राजेंद्र राठौड़ 10-12,000 क्या है सर? CM कौन बनेगा भाजपा की सरकार आई तो? हाँ जी नहीं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा सरकार आई तो? के बताओ यार भाई, यार आपके साथ राठौड़ ने बनाओ, राठौड़ बनेगा वसुंधरा राजे? नहीं नहीं नहीं, राठौड़ बनेगा मुख्यमंत्री, राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ सिम क्यों भाई? वसुंधरा राजे नहीं, देख रहे हो ये जनसभा देख रहे हो आप? हाँ कौन CM कौन बनेगा? बुढ़ानिया की सरकार आएगी भाई इधर तो, बुढ़ानिया की सरकार आएगी, बुढ़ानिया की सरकार आएगी नरेंद्र बुढ़ानिया। आप कांग्रेस, आप तो भाजपा की रैली में पानी बांट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कांग्रेस को वोट देंगे। एक बात बताओ इधर तो भाई साहब, ये मोदी की रैली में आप ये पानी बांट रहे हो, ये किस लिए? मोदी के लिए आए हैं, मोदी के लिए आए हैं, वोट कांग्रेस को देंगे? लोकसभा में मोदी को देंगे? अच्छा ये काटने की बात करते हैं बुढ़ानिया जी, मारने और काटने की बात? अरे वो उन्होंने कहा था, उनका एक बयान वायरल हुआ था कि ये बताओ, लेकिन ये भाई साहब आपके बीच में है कांग्रेस के वोटर, कुछ इनसे आपत्ति नहीं आपको? एक दो बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं बुढ़ानिया सपोर्टर यार, वो तो मैं क्या बता सकता हूँ यार। अच्छा ये आप ये बताओ, आपको मोदी पसंद है और बुढ़ानिया पसंद है, दोनों में ये विरोधाभास नहीं है? हमें काम पसंद है, हमें काम पसंद। क्या काम कराया है बुढ़ानिया? बुढ़ानिया बहुत काम किया है तारानगर में। क्या क्या किया? बहुत किया है, बता दो ना। ठीक है ये बड़ा दिलचस्प है, देखिए इसीलिए कहते हैं चुनावी रंग अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हूँ, यहाँ जिन लोगों को काम मिला है पानी बांटने का लोगों को, उस ट्रक में हूँ, वहीं पर एक व्यक्ति मिल गया जिनको स्थानीय कांग्रेस कैंडिडेट अच्छे लगते हैं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे लगते हैं। तो ये तारानगर विधानसभा से एक संक्षिप्त बातचीत आपने सुनी, ये बातचीत आपको कैसे लगी? जल्दी संक्षेप में कह दीजिए क्या कह रहे हैं। ये वही राजेंद्र सिंह राठौड़ है जिसने यहाँ पे तारानगर के अंदर 40 साल की कांग्रेस की सत्ता को 2008 के अंदर उखाड़ के फेंका था। इनके द्वारा जो विकास काम किए गए थे उनसे लोग खुश हैं। यहाँ से जाने के बाद में 2013 के अंदर ये वापस से चूरू से चुनाव विधान, चूरू से ये 6 बार जीते लगभग और एक बार यहाँ से जीते। सीट क्यों बदली गई इस बार उनकी? 40 साल से जो यहाँ पर जो शासन था कांग्रेस का शासन था, जहाँ पे वैद्य परिवार ने राज किया था कांग्रेस के अंदर, उसको उखाड़ फेंकने का काम 2008 में राठौड़ साहब ने यहाँ पे किया था पहले भी।
उसके बाद में राठौड़ साहब का मन था कि मैं वापस से इसी क्षेत्र के अंदर आऊं, तो उन्होंने अपनी सीट को बदला है। ये मुश्किल सीट नहीं है उनके लिए? नहीं, मैं नहीं मानता। वहाँ से आज तक उन्होंने 6 चुनाव जीते हैं, हर बार उन्होंने चुनाव जीता वहाँ पे, कैसे मुश्किल मान सकते हैं हम उसको? और वैद्य परिवार अब किसके साथ है? वैद्य परिवार अभी राठौड़ साहब के साथ है। अब वही मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो एक तरह से अपने चिर प्रतिद्वंदी को, कांग्रेस के नेता को अपनी तरफ मिला लिया। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग उनसे खुश नहीं है इसलिए वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसका भी एक रीजन है। अपन मान सकते हैं ना कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस से खुश नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जब हम घूमते हैं विपक्ष में भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, पर कोई एक योजना है जो लगता है आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हुई है? जब ग्राउंड पे आप जाते हो लोग कहते हैं कि साहब ये काम थोड़ा अशोक गहलोत ने ठीक कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा एक चीज़ जो है उन्होंने कर दी, बाकी और जो समस्याएं हैं सो है। ऐसा लगता है आपको किसी योजना के संबंध में? योजना छोड़िए, तुष्टिकरण की राजनीति देखिए ना अशोक गहलोत की, योजनाओं का क्या होगा? व्यक्ति जीवित रहेगा तो योजनाओं का लाभ ले पाएगा ना। तुष्टिकरण कैसे? तुष्टिकरण हिंदू मुस्लिम का देख लीजिए, जहाँ पे भी दंगे हुए हैं कांग्रेस शासनकाल में किस तरह के दंगे होते हैं, उस तरह से सभी लोग बरेलीवादी परिचित हैं। जिंदा रहेंगे तो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे ना। आज जयपुर के अंदर किसी की हत्या होती है, चाहे वो आपसी रंजिश के अंदर हो, जिसके अंदर सीधे सीधे 50 लाख रुपए, नौकरी, बूथ, सब चीजों की घोषणाएं कांग्रेस सरकार कर देती है, ठीक है। और एक हिंदू कन्यालाल की हत्या होती है जिसके ऊपर कांग्रेस सरकार मौन रहती है, किसी तरह का मुआवजा नहीं देती है, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति है राजस्थान की सरकार। आपको किसने बताया कि कन्हैयालाल को मुआवजा नहीं मिला? ये तो सबको पता है नहीं मिला। आपने कहाँ पढ़ा, मैं इसलिए पूछ। बेसिकली सभी कहते हैं नहीं मिला, उसका परिवार तक कहता है कि हमें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला। नहीं, आप पढ़िए ना थोड़ा अच्छे से पढ़िए। 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं होता? 5 लाख नहीं मिला, 5 लाख नहीं मिला, इसीलिए चेक करिए। बहुत सारा फैक्ट चेक इस पे हुआ है, उन दिनों ये खबर फैली थी कि कन्हैया लाल को 5 लाख मिला और एक जयपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हुई और उसको 50 लाख मिला। हत्या नहीं कह सकते? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कन्हैया लाल को 51 लाख रुपए का मुआवजा मिला और उनके दोनों परिवार के दोनों बच्चों को नौकरी का वादा सरकार ने दिया। मैं भी ये चेक नहीं कर सकता हूँ कि नौकरी मिली है नहीं, पर नौकरी का वादा किया गया, साथ में 51 लाख का मुआवजा दिया गया। लेकिन उसमें भी तो आप देखिए ना, वहाँ पे हत्या होती है और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई होती है जिसके अंदर लोग दो गुट आपस में लड़ जाते हैं बाइक भिड़ने के ऊपर, उस पर कांग्रेस सरकार द्वारा इस प्रकार इतनी बड़ी राशि जारी कर दी जाती है। क्या हिंदुओं की हत्या नहीं होती? करी तो उन्होंने, हिंदुओं में की थी 51 लाख की। अच्छा चलिए इस पे बताइए, राष्ट्रीय मुद्दा जी, प्रदेश पे बात हो रहे हैं, आपके हिसाब से मान लीजिए 24 के चुनाव होंगे, राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा क्या होगा? बम धमाके होना बंद हो गए, ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद में जो यहाँ पे बम धमाके होते थे वो बंद हो गए। इससे पहले हमने देखे हैं काफ़ी समय जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे और यूपी में हुए थे, बेंगलोर में हुए थे, मुंबई में ताज होटल जैसा हमला हुआ था, लेकिन ये सब देखने को नहीं मिला है 2014 के बाद में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि शहरों में जो जगह जगह बम धमाकों की कुछ घटनाएं होती थी वो बंद हो गई हैं, पर कुछ बड़े आतंकवादी हमले भी इस बीच हुए हैं, पुलवामा का आतंकवादी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा, बालाकोट का भी जवाब दिया गया, लेकिन सुरक्षा की चूक तो हुई वो वाली। सन 2018 के अंदर 25 फरवरी की नाइट के अंदर जो हमला किया गया था पुलवामा के अंदर वापस, वो जवाब था भारत सरकार की तरफ से। जब 2018 के अंदर चूरू के अंदर मोदी जी आए थे 26 फरवरी को, तो उन्होंने यही कहा था कि कल रात को जो स्ट्राइक हुई है वो भारत के जो शहीद हुए थे उनका बदला है। तो ये बदला की प्रतिक्रिया हमारी सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो देती है, जिससे आतंकवाद को लगाम लगी। प्रधानमंत्री अब बोलेंगे थोड़ी देर में यहाँ, मुझे आप लोगों को भी उधर जाना होगा। संक्षेप में मुझे, मैंने और लोगों से पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है, 3-4 चीजें उनकी जो क्यों पसंद है समझने के लिए आज समय समझना, आप बताइए। जो सबसे बड़ा तो यही है ना, आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद। कोविड के समय जो उन्होंने वैक्सीन वाला काम किया था, पहले की सरकारें थी वो पोलियो की दवाइयां भी काफी टाइम तक नहीं दे पाती थी, ठीक है, वैक्सीनेशन बहुत और बहुत जल्दी भी हुआ, वो टाइमली पूरे देश को वैक्सीनेट किया गया। व्यक्ति को रिहा करवाया वो नरेंद्र मोदी ने ही करवाया वहां जाके, नहीं कतर में अभी लोग फंसे भी हुए हैं भाई। आज विदेशों के अंदर हम जाते हैं, मैं खुद दुबई के अंदर गया था, तो मैं जब वहां पे जाके नाम लेता हूं कि यस आई एम इंडियन, तो वी विल प्राउड, कि हमें मतलब इस बात की खुशी है कि हमारे विदेशों के अंदर जो मान सम्मान बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, देश में भारत का मान बढ़ा है। एक आखिरी चीज आपसे और फिर इस वीडियो को अपन यहीं अंजाम पे खत्म करेंगे। अभी एक भाई साहब तो यही थे, भाई साहब इन्होंने कहा कि यार देखो चिरंजीवी योजना से आम आदमी को फायदा तो हुआ है। एक चीज कहना चाहूंगा, 4 साल तक वो मारवाड़ी में एक कहावत है, 4 साल तक टड़गी 12 महीना में धीणो हो गयो। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि 4 साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया और 12 महीनों में सब कुछ देने को तैयार हो गई है जनता, क्योंकि हाँ भाई हम सब कुछ दे रहे हैं तुम ले लो। तो वही बात है कि 4 साल तक तो टलगी और 12 महीना में धीणो हो गयो।
तो बस इसी चीज से समझ सकती है जनता कि चार साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। पेपर लीक जैसे घटना हुई है, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि हमारे साथ हम जो पेपर देने जाते थे तो क्या हो रहा था वहाँ। वसुंधरा राजे की सरकार में भी पेपर लीक हुए थे, इतनी घटनाएं नहीं थी, थोड़ी सी कम आया जाता था, बेचे जाते थे, नीलाम नहीं किए गए बस, लेकिन बेचे जाते थे, निश्चित रूप से बेचे जाते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बेसिक यहाँ के चुनावी मुद्दों पर बात करने की कोशिश थी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ। और प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में यहाँ तारानगर में बोलेंगे। तारानगर विधानसभा जो कि चुरू जिले में पड़ती है, राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांटे का मुकाबला है, हाई प्रोफाइल सीट इसको कहा जा रहा है। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी, देखते रहिए दी ललन टॉप।